हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द स्ट्रीम आज हम एक ऐसे आइडिया के बारे में डिस्कस करेंगे विच विल चेंज द एंटायर स्पेस इंडस्ट्रीज एंड सिर्फ बात नहीं बनाएंगे उसे इंप्लीमेंट भी करेंगे इस वीडियो के एंड में बिकॉज अगर तुम इसे यूट्यूब पे सर्च करो इसके ऊपर एक भी वीडियो नहीं मिलेगा एंड फॉर सम रीजन आमिर खान रोबिक्स को <laughs> क्यूब सॉल्व करते हुए मिल जाएगा सो इफ़ यू आर स्टूडेंट और प्लानिंग टू डू अ स्पेस रिलेटेड स्टार्टअप दिस वीडियो इज़ फॉर यू क्यूब रोवर एक नया तरीका का रोवर क्लास है जो साइज में काफ़ी छोटे होते हैं फॉर कंपैरिजन ये है नासा के कुछ रोवर्स ये फोटो में तो छोटे लगते हैं बट इनका साइज एक छोटी कार जितना होता है ये कॉन्सेप्ट इंस्पायर्ड है क्यूब सेटेलाइट से जिसमें हम सेटेलाइट्स का मिनियचराइजेशन करते हैं एक काफी छोटे फॉर्म में एक स्टैंडर्ड क्यूब सेटेलाइट का साइज होता है टेन इंटू सेंटीमीटर इन सेटेलाइट्स को बनाना इतने आसान है कि अब तो स्कूल के बच्चे भी अपनी अपनी सेटेलाइट्स लॉन्च कर चुके हैं क्यूब रोवर का कॉन्सेप्ट डेवलप किया था एस्ट्रोबोटिक टेक्नोलॉजी ने जो कि एक अमेरिकन कंपनी है 2018 में इन्होंने अपने क्यूब रोवर का एक टेस्टिंग वीडियो रिलीज़ किया था एंड टू माई नॉलेज ये दुनिया में एक लौती ऐसी कंपनी है जो इस कॉन्सेप्ट काम कर रही है इसी वीडियो को देखने के बाद आई was इंस्पायर टू मेक माई ओन वर्जन बट इसके बारे में आगे बात करेंगे एस्ट्रोबोटिक्स ने टोटल तीन क्यूब रोवर डिजाइन किए हैं डिपेंडिंग ऑन एयर पेलोड कैपेसिटी इनका सबसे छोटे रोवर का साइज है 20 इंटू टेन सेंटीमीटर मतलब एक लैपटॉप से भी छोटा है साइज में छोटे होने की वजह से रोवर का स्ट्रक्चर काफी सिंपल है एंड इसकी चैसी बनी है एल्यूमिनियम से पावर के लिए इसमें लगे हैं सोलर पैनल एन एट छोटी सी एटीन सिक्स फाइव जीरो रिचार्जेबल बैटरीज इस रोवर का सबसे इम्प्रेसिव पार्ट है इसका विजुअल नेविगेशन सिस्टम इमेजिन हम एक सड़क पे खड़े हैं एंड सामने से एक कार आ रही है हमें पता नहीं है वो कितनी दूर है या उसकी क्या स्पीड है लेकिन पास आती कार का साइज बढ़ता हुआ देख के हम कार की स्पीड एंड डिस्टेंस का एक अंदाजा लगा सकते हैं ठीक यही कॉन्सेप्ट यूज होता है यहाँ पर भी क्यूब रोवर के नेविगेशन कैम से कोई ऑफिशियल फुटेज तो नहीं है सो हमने अपना खुद का एक डेमो सेटअप किया फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग रोवर में दो कैमरे लगे हुए हैं और एक कैमरा हमेशा लैंडर की तरफ फेस करता है इमेजिन ये कैमरा हमारा रोवर है एंड ये मार्कर हमारा लैंडर है जब रोवर लैंडर के पास आएगा या दूर जाएगा तब कैमरे में लैंडर की इमेज छोटी या बड़ी होती हुई दिखाई देगी इसी इमेज के साइज डिफरेंस को यूज करके रोवर अपनी स्पीड और डिस्टेंस को कैलकुलेट करता है स्क्रीन के बीच में जो छोटा सा नंबर आ रहा है वो है हमारा डिस्टेंस इन मीटर्स और मार्कर के साइड में जो नंबर आ रहे हैं वो है एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स उस कॉर्नर के हम टेंथ क्लास की थोड़ी सी और मैथ्स यूज करके रोटेशन का भी पता लगा सकते हैं वो भी विदाउट यूजिंग एनी सेंसर ये चीज़ हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं अपने एक पुराने वीडियो में जिधर हमने यूज़ की थी टेंथ क्लास की एनसीआर मैथ्स फॉर कंप्यूटर विजन एंड मार्कर ट्रैकिंग सो इफ यू लाइक इट और ऐसे सिंपल कॉन्सेप्ट के बारे में और जानना है तो टेलम इन द कमेंट्स मैं और भी वीडियोज बनाऊंगा इस तरह के छोटे रोवर्स का डेवलपमेंट एंड मैनुफेक्चरिंग टाइम कम होता है सो कॉस्ट इफेक्टिव होने की वजह से इन्होंने नासा एंड डी के साथ भी एक पार्टनरशिप कर रखी है जब से इंडिया में स्पेस का लिबरलाइजेशन हुआ है हमने कई सारे छोटे स्टार्टअप्स देखे हैं जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स पे काम कर रहे हैं बट कोई भी अभी लूनर व्हीकल्स या लैंडर्स पे काम नहीं कर रहा है क्यूब रोवर्स अपने आप में ही एक छोटी सी इंडस्ट्री बन सकता है सो so, अगर कोई स्टार्टअप इस आइडिया को ढंग से इंप्लीमेंट करता है इस स्पेस को ईजिली डोमिनेट किया जा सकता है जैसे कि टेस्ला ने किया है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मार्केट को इस कॉन्सेप्ट की अवेयरनेस फैलाने के लिए एंड लोगों को एक छोटा सा हेड स्टार्ट देने के लिए हमने भी इस रोवर का एक छोटा सा थ्री डी प्रिंटर वर्जन बनाया था इन 2020 इसका नाम है क्यूट रोवर इसका डिज़ाइन बेस्ड है एस्ट्रोबोटिक्स के रोवर क्यूब पर मॉडल में थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़े फॉर इजी थ्री प्रिंटिंग एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इसका डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स लेआउट काफी सिमिलर है ओरिजिनल क्यूब रोवर से इसमें है चार डीसी मोटर फॉर मूवमेंट एंड नोड एम सी यू विद मोटर ड्राइवल शील्ड फॉर एवियोनिक्स एंड फॉर पावर वी आर यूजिंग टू लिथियम आयन बैटरीज ये सेटअप सिमिलर है हमारे लास्ट प्रोजेक्ट से सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन मेकिंग दिस आई रिकमेंड की वो वीडियो जरूर देख लेना एक बार क्यूट रोवर को कंट्रोल करने के लिए हमें चाहिए एक वाईफाई हॉटस्पॉट जिससे हमारा रोवर कनेक्ट होगा और फिर हमें अपने फोन के ब्राउजर में रोवर का आईपी एड्रेस एंटर करना है फिर हमें एक इंटरफेस मिलेगा जिससे हम रोवर को कंट्रोल कर पाएंगे इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन मेकिंग दिस हमारे क्यूट रोवर से रिलेटेड सारी फाइल्स एंड कोड का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और अगर हमारा क्यूट रोवर अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स कि मुझे इसका नया वर्जन बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए